राष्ट्रपति पुतिन ने अखंड रूस के ब्लूप्रिंट पर पहला कदम बढ़ा दिया है। पुतिन का टारगेट है सर्दियों तक यूरोप के कई देशों पर रूसी ध्वज फहराना, और इस महामिशन की तरफ पहला कदम 15 अगस्त की सुबह बढ़ा दिया गया। करीब एक साल से पश्चिमी यूक्रेन शांत था, लेकिन पुतिन ने पोलैंड से सटे यूक्रेनी क्षेत्रों में इतना बारूद बरसा है कि धमक और असर पोलैंड तक पहुंची है। पोलैंड के आर्मी डे से ठीक पहले रूस की अग्नि वर्षा ने संकेत दे दिया है अगला टारगेट क्या है। नेटो के वर्चस्व को खंड खंड करने के लिए रूस ने महाविस्फोट की तैयारी कर ली है। देखिए एक अकेला व्लादिमीर यूरोप के नक्शे पर कैसे विनाश की लकीर खींचने वाला है। फरवरी 2022 को जब रूस की फौज ने जंग की शुरुआत की, यूक्रेन का पश्चिमी हिस्सा बारूद से दहक उठा। लेकिन जैसे जैसे जंग लंबी खिंची, रूस के हमलों का दायरा घटता गया। और ईस्टर्न फ्रंटलाइन के नजदीक वाले इलाकों में बारूद बरसता रहा। लेकिन जंग के 538वें दिन रूस ने पश्चिमी यूक्रेन में तबाही मचा दी। पोलैंड की सीमा से लगे लवीव शहर पर इतना बारूद बरसाया कि पूरा शहर धधक उठा। रूस की एक मिसाइल लवीव की हाई राइज इमारत पर गिरी। इमारत का बहुत बड़ा हिस्सा तबाह हो गया। ध्वस्त इमारत की छत पर राहत बचाव टीम काम करती नजर आई। आग बुझाने के लिए फायर फाइटर्स ने क्रेन के जरिए पानी की बौछार की। ये तस्वीरें लवीव पर हुए दूसरे हमले की हैं। एक इमारत की छत से आग की लपटें निकलती दिखाई दे रही हैं। करीब साल भर से शांत लवीव शहर 15 अगस्त की सुबह दोबारा रूसी हमलों से दहल उठा। लवीव शहर के रिहायशी इलाके में बना ये 9 मीटर का गड्ढा रूसी मिसाइल के विस्फोट से बना है। विस्फोट इतना जबरदस्त था कि आसपास की इमारतें भी खंडहर हो गई। रूसी हमले में लवीव शहर की कई इमारतें ध्वस्त होने की खबर है। यूक्रेन ने कहा है कि रूस रिहायशी इमारतों को निशाना बना रहा है। पंद्रह अगस्त की सुबह रूस ने पूरब से लेकर पश्चिम तक यूक्रेन को दहला दिया। रूस ने यूक्रेन के निप्रोपेत्रोवस्क शहर पर बारूदी बारिश शुरू कर दी। ये रूस के मिसाइल हमले के बाद निप्रोपेत्रोवस्क में मची तबाही। मिसाइल विस्फोट के बाद बड़ा इलाका आग की चपेट में आ गया। आसमान में सैकड़ों मीटर ऊपर धुएं का गुबार छा गया। निप्रोपेत्रोवस्क में हुई तबाही की गवाही ये तस्वीरें दे रही हैं। मिसाइल हमले के बाद इमारत के सामने एक बड़ा गड्ढा बन गया। विस्फोट के शॉक वेव से इमारत का बड़ा हिस्सा खंडहर हो गया। रूस ने करीब एक साल बाद पश्चिमी यूक्रेन पर इतना बड़ा हमला किया।
रूस ने अपने न्यूक्लियर बॉम्बर्स और वॉरशिप से पश्चिमी यूक्रेन पर मिसाइल वर्षा करके विध्वंस मचा दिया। रूस ने ब्लैक सी फ्लीट से यूक्रेन पर हमले किए और कुल 28 क्रूज मिसाइलें दागी और इसके साथ ही कैस्पियन सागर से TU-95 बॉम्बर ने पश्चिमी यूक्रेन पर X-101 क्रूज मिसाइल बरसाई। रूस के एंगल्स एयरबेस से 16 TU-95 बॉम्बर्स उड़े और उनके साथ ही दो TU-160 बॉम्बर्स ने भी हमले किए। रूस का टारगेट बना यूक्रेन का पश्चिमी क्षेत्र। लवीव शहर में रूस के हमलों से यूक्रेन का हथियार गोदाम तबाह हो गया। खमेलनित्स्की में रूस ने सुखोई 24 का एक बेस और स्कैल्प मिसाइल का गोदाम तबाह कर दिया। वॉलिन शहर में रूस ने पोलैंड सीमा के नजदीक मिसाइल हमला किया, इसमें 3 लोगों की मौत हो गई। यूक्रेन के चरकेसी में मिसाइल हमला करके रूस ने बड़ा हथियार गोदाम तबाह कर दिया। डोनेस के क्रामातोर्स्क इलाके में रूसी हमले से यूक्रेन की एक सैन्य पोस्ट ध्वस्त हो गई। विस्फोट यूक्रेन में हुए, तबाही लवीव, खमेलनित्स्की और टर्नोपिल में हुई। लेकिन वोलिन शहर पर हुए हमले ने संकेत दे दिया कि रूस का अगला टारगेट है पोलैंड। लुत्स्क क्षेत्र का वोलिन पोलैंड की सीमा से सटा आखिरी शहर है। रूस ने शहर पर मिसाइल हमले किए हैं। खबर है कि विस्फोट के बाद रूस का मिसाइल मलबा पोलैंड की सीमा में गिरा है। रूस ने सोची समझी रणनीति के तहत पोलैंड के नजदीक हमला किया है। अगस्त को पोलैंड का आर्मी डे होता है। पोलैंड की राजधानी में इस दिन परेड निकालकर शक्ति प्रदर्शन किया जाता है। पोलैंड की आर्मी डे परेड शुरू होने से पहले ही रूस ने वोलिन पर मिसाइल हमला किया। 15 अगस्त को वोलिन पर हमला करने से पहले ही रूस ने पोलैंड को चेतावनी दी थी। अगस्त को पुतिन ने कहा था यूक्रेन को हथियार देने वाले देश रूस के सबसे बड़े दुश्मन हैं। रूस को तबाह करने की मंशा रखने वाले देश निशाने पर हैं। हथियार सप्लाई बंद नहीं हुई तो मददगार देश अपने विनाश के खुद जिम्मेदार होंगे। रूस ने पोलैंड को चेतावनी देने के लिए पोलैंड पर हमला किया। यूक्रेन पर रूस के बड़े हमलों का मकसद है यूक्रेन के हथियार गोदामों को तबाह करना। रूस ने प्लान बनाया है कि गोदाम तबाह करने के साथ साथ यूक्रेन की हथियार सप्लाई का मेन रूट भी काट दिया जाए। पोलैंड की जमीन से ही यूक्रेन को सबसे ज्यादा हथियार सप्लाई होते हैं। इसी रूट से यूक्रेन के पश्चिमी शहरों तक हथियारों की सप्लाई होती है। वेस्ट से हथियारों की सप्लाई डेनमार्क के पोर्ट ऑफ फ्रेडरिका तक पहुंचती है। इसके बाद डेनमार्क से सड़क के जरिए हथियार पोलैंड पहुंचाए जाते हैं। पोलैंड की राजधानी वॉर्सा पहुंचने के बाद इन हथियारों की सप्लाई लुत्स्क तक पहुंचती है। लुत्स्क, खमेलनित्स्की और टर्नोपिल में हथियारों के गोदाम बनाए गए हैं। पश्चिमी यूक्रेन में पुतिन का टारगेट यही हथियार गोदाम होते हैं। जून जुलाई के महीने में ही रूस की सेना ने खमेलनित्स्की और टर्नोपिल पर बड़े हमले किए। अब रूस का टारगेट है सर्दियों से पहले यूक्रेन की हथियार सप्लाई बंद करना और इसकी चेतावनी पोलैंड भी दे चुका है। पोलैंड ने कहा है कि रूस और बेलारूस बड़े हमले की तैयारी में हैं। यूरोप के सभी देशों को आपात स्थिति के लिए तैयार रहना चाहिए। पोलैंड बेलारूस की सीमा पर 10,000 सैनिकों की तैनाती का ऐलान कर चुका है।
एक साल बाद जंग पश्चिमी यूक्रेन में पोलैंड की सीमा तक पहुंच चुकी है। संकेत साफ है, पुतिन यूरोप पर दोहरा हमला कर सकते हैं। सर्दियों से पहले यूक्रेन की सप्लाई लाइन काटकर पुतिन उसे घुटने टेकने पर मजबूर करने का ब्लूप्रिंट तैयार कर चुके हैं। अगर ये प्लान कामयाब हुआ तो पुतिन अखंड रूस की प्रतिज्ञा पूरी करने की तरफ कदम बढ़ा देंगे। पुतिन सर्दियों के मौसम में यूक्रेन, पोलैंड, रोमानिया, लिथुआनिया, लातविया, एस्टोनिया, मोल्दोवा और चेक रिपब्लिक पर कब्जा करके अखंड रूस बनाने की तरफ बढ़ रहे हैं। पुतिन का ये प्लान महाविनाशक जंग की ज्वाला बनने वाला है। अगर किसी भी नेटो देश पर रूस का हमला हुआ तो परमाणु जंग छिड़ना तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।